ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ पीसीडी नंबर 624, क्लैरिफाइड ऑन 6 मार्च 2007 एट हैदराबाद। आज की अभिवाणी है March 2007। ओम शांति। टुडेज अव्यक्तवाणी इज डेटेड 3 मार्च 2007। हेडिंग दिया है परमात्म संघ में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। द हेडिंग गिवन इज टू अप्लाई द गुलाल ऑफ नॉलेज, वर्च्यूज एंड द कलर ऑफ पावर्स ऑन ईच अदर इन द सुप्रीम सोल्स कंपनी इज टू सेलिब्रेट द ट्रू होली। गुलाल मीन्स द पावर यूजुअली रेड थ्रोन एंड स्प्रिंकल एट ईच अदर ऑन होली। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए। टुडे बाप दादा हैज कम टू सेलिब्रेट होली विथ हिज लकीएस्ट एंड होलीएस्ट चिल्ड्रन। थोड़े बच्चे हैं या ज्यादा हैं? आर देर अ फ्यू चिल्ड्रन और मेनी? थोड़े बच्चे हैं लेकिन होलीएस्ट है और लकीएस्ट है। देर आर अ फ्यू चिल्ड्रन बट दे आर द होलीएस्ट एंड द लकीएस्ट। जब होलीएस्ट और लकीएस्ट कहा जाता है, व्हेन समवन इज कॉल्ड द होलीएस्ट एंड द लकीएस्ट, तो जरूर कोई ग्रुप से तुलना की जाती है। दे आर सर्टनली कंपेयर्ड विथ अनदर ग्रुप। इसके मुकाबले लकीएस्ट और होलीएस्ट है। इन हूज कंपैरिजन आर दे द लकीएस्ट एंड द होलीएस्ट? इससे तुलना की गई। विथ होम वर दे कंपेयर्ड? सारी एडवांस पार्टी से तुलना की गई। स्टूडेंट रिप्लाइज, वर दे कंपेयर्ड विद द एंटायर एडवांस पार्टी? अलग अलग धर्मों के अलग अलग ग्रुप से है। देर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। कितने धर्म है? देर आर हाउ मेनी रिलीजन्स? जो बाप से प्राप्ति करने वाले हैं। विच मेक अटेनमेंट्स फ्रॉम द फादर? वंश, चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्धि वंश। द सूर्य वंश, द चंद्र वंश, द इस्लाम वंश, द बौद्धि वंश। और जो भी छोटे छोटे मठ पंथ भी आ गए उनको तो हटा दिया जाए। तो धर्म कितने हैं टोटल? लीव ऑल द स्मॉल रिलीजियस सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज, देन देर आर हाउ मेनी रिलीजन्स इन टोटल? नास्तिक और आई समाधि, ये तो मठ पंथ। द एथीस्ट रिलीजन एंड द आर्य समाज आर जस्ट रिलीजियस सेक्ट्स। बाकी रहे सिख धर्म तक आज। एज फॉर द रेस्ट, देर आर 8 रिलीजन्स टिल द सिख रिलीजन। और भगवान बाप जब आते हैं तो 8 हो ही धर्मों से लकीएस्ट और होलीएस्ट आत्माओं का चुनाव कर लेते हैं पहले पहले। When God the Father comes, he chooses the luckiest and the holiest souls from all the 8 religions first. साथ साथ उन धर्मों की और भी विशेष आत्माओं को चुनाव करते हैं।
along with them, he also chooses the other special souls of those religions. यज्ञ के आदि में सिंध हैदराबाद से ही इन द बिगनिंग ऑफ द यज्ञ फ्रॉम सिंध हैदराबाद इटसेल्फ जबकि हैदराबाद की आबादी 9 लाख थी व्हेन द पॉपुलेशन देयर वाज 9 लाख स्वप्न और साक्षात्कार की जो लीला चली उसमें सब आत्माओं को संदेश मिल गया ऑल द सोल्स रिसीव द मैसेज थ्रू द प्ले ऑफ ड्रीम्स एंड विजन्स दैट टुक प्लेस जिनको जिनको संदेश मिला विश्वास बैठा वो सब प्रजा वर्ग में तो आई गई दोज हु रिसीव द मैसेज एंड डेवलप फेथ ऑल ऑफ देम सर्टनली केम इन द सब्जेक्ट कैटेगरी प्रजावर्ग की आत्माओं में कितने ग्रुप्स में बटे हुए थे द सोर्स ऑफ द सब्जेक्ट कैटेगरी वर डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी ग्रुप्स 8 मुख्य वर्गों में बटे हुए थे दे वर डिवाइडेड इंटू 8 मेन कैटेगरीज उन 8 वर्गों के 8 पूर्वज आत्माओं को उसी समय चुन लिया गया था He had chosen the 8 ancestral souls of those 8 categories at that very time. बाप की निगाहों में चुने गए. They were chosen in the eyes of the father. जिनका चुनाव हुआ उन्हें खुद भी पता नहीं. और दुनिया वालों को भी पता नहीं. Those who were chosen, they themselves didn't know about it then, and the people of the world didn't know it either. This is why an indication was given in the Avyaktvani. उन अष्टदेवों के लिए, अष्टपूर्वजों के लिए. For those 8 deities, the 8 ancestors. इन दीदी दादियों का भी संगार आप लोगों ने किया गुण रत्नों से. Saying, it is you who decorated even these didis and dadis with the jewels of virtues in the beginning of the yajna. और जो आदि में, सो अंत में, एडवांस पार्टी के अंदर प्रत्यक्ष होकर के एडवांस ज्ञान रत्न देने के निमित्त बनते हैं. और ज्ञान रत्नों से उन दीदी दादियों की श्रृंगार कर लेते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉट एवर हैपेंस इन द बिगिनिंग इट हैपेंस इन द एंड एज वेल दे आर रिवील्ड इन द एडवांस पार्टी एंड बिकम द इंस्ट्रूमेंट्स टू गिव देम द ज्वेल्स ऑफ द एडवांस नॉलेज एंड दे डेकोरेट दोज दीदीज एंड दादीज विद द ज्वेल्स ऑफ नॉलेज इसलिए लकीएस्ट है और होलीएस्ट दिस इज वाई दे आर द लकीएस्ट एंड द होलीएस्ट इसके बीच में लकीएस्ट है दे आर द लकीएस्ट अमंग हुम मान लो इस्लाम धर्म का पूर्वज है सपोज देर इज द एंसेस्टर ऑफ द इस्लाम इस्लाम धर्म की जो भी श्रेष्ठ आत्माएं सिंध हैदराबाद में थी So all the elevated souls of the Islam who were there in Sindh Hyderabad in the last birth aur unme se jo bhi abhi basic ya advance mein purusharth karne wale among them those who make purusharth in the basic or the advanced knowledge un sab ke beech mein wo atma luckiest hai aur holiest That soul is the luckiest and the holiest among all of them. ऐसे ही और धर्मों के जो पूर्वज हैं, वो सब अपने अपने ग्रुप में अपने अपने धर्म में लकीएस्ट और होलीएस्ट
Similarly, the ancestors of other religions are the luckiest and the holiest in their group, in their religion. दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं। The people of the world just celebrate a festival. लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो। Whereas you children don't only celebrate it. मनाना अर्थात बनना। To celebrate means to become that. तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। So you have become holy, that is pure souls. आप सभी कौन सी आत्मा हो? What kind of souls are all of you? Holy अर्थात महान पवित्र आत्मा। You are holy, meaning highly pure souls. दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं। The people of the world color their body with physical colors. लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग से रंगा है? But what color have you souls colored your soul with? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? What is the best color? अविनाशी रंग कौन सा है? Which is the imperishable color? आप जानते हो आप सबने परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया। You know that you have colored your soul with the color of the Supreme Soul's company. इसका रंग लगाया है? Whose color? परमात्म। The Supreme Soul. तो उसकी आत्मा है और आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी। One is the soul and the other is the supreme actor among the souls. कौन होता है? Who is it? आत्माएं जो जन्म-मरण के चक्र में आने वाली है। The souls who come in the cycle of birth and death. पार्टधारी है। उन पार्टधारी आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी आत्मा है। Who are actors? The soul who is the supreme actor among them. कौन है? Who is it? इसमें मुकरर रूप से सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके पार्ट बजाती है। The one whom the supreme soul father enters permanently and plays the part. आग में भी प्रवेश करते हैं, मध्य में भी और अंत में भी प्रवेश करके पार्ट बजाते। He enters him in the beginning, in the middle, as well as in the end and plays his part. ऐसे परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, परमात्मा पार्ट के संग के रंग को आप लेने वाले हो। It is you souls who are colored by the company of the supreme actor, hero actor, the supreme soul's part. इस संग के रंग से आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई है। Through this color of the company, your soul has been colored by purity. ये परमात्म संग का रंग कितना महान और कितना सहज है। This color of the Supreme Soul's company is so great and easy. महानता साकार में होती है या निराकार आत्मा की महानता होती है? Is a corporeal one great or is an incorporeal soul great? बिंदी बिंदी आत्मा जब तक बिंदु रूप स्टेज में रहकर के पार्ट न बजावे। Until the point souls stabilize in the point form stage and play their part, तो महानता कैसे सिद्ध होगी? How will their greatness be proved? और सहज संग भी है। And it is an easy company as well. सहज कब होता है? When is it easy? बिंदी को याद करने से सहज होता है या वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु
सागर में प्रवेश करके पाठ बजाता है। उसका साकार पाठधारी के संग का रंग लेना सहज होता है। Is it easy to remember the point? Or is it easy to take the color of the company of the corporeal actor when the point of light supreme soul enters him and plays the part? साकार में संग का रंग सहज लग जाता है। You are colored by his company easily when he is in the corporeal one. साकार है इसलिए सहज। It is easy because there is the corporeal one. जो गाया हुआ है सहज राजयोग। For that reason, it has been said the easy राजयोग। सहज ही याद आती है। You remember him easily. जो कि प्रैक्टिकल आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है। It is because you see him through your eyes in practice. You listen to him through your ears. सब इंद्रियों से अनुभव किया जाता है। You experience him through all the इंद्रिया। तो सहज हो जाता है। So it becomes easy. इतना सहज संग है। It is such an easy company. इसलिए परमात्म संग का महत्व तो? अभी अंत में भी सत्संग का महत्व गाया हुआ है। This is why, as the result of giving importance to the Supreme Soul's company, people give importance to satsangs in the end as well. Satsangs mean spiritual and religious gatherings, literally, the company of the true one. तो भक्ति मार्ग में नाम रख देते हैं सत्संग। They have named it satsang in the path of bhakti. कोई महात्मा बैठ करके प्रवचन करते हैं। If a holy man sits and gives sermons. कोई कथा करते हैं। If someone narrates a story. तो कथावाचक की सभा में बैठ जाते हैं, समझते हमने सत्संग किया। People sit in that gathering and think that they have attended a satsang. अब कितने मजे में लगते हैं। Well, there are so many gatherings. कितनी सत्संग की ऐसी सभाएं लगती हैं। There are such gatherings of so many satsang. और उन सभाओं में श्रेष्ठतम दृष्टि से जिस व्यक्ति को देखा जाता है, वो कथावाचक क्या शब्द होता है। And the person in those gatherings who is looked upon with such reverence, is that storyteller true? सत्य एक है या सत्य अनेक है? Is the one true or are many true? जो भी कथावाचक होंगे वो दुनिया में एक तो नहीं है। There isn't just one storyteller in the world. क्योंकि आत्मा सो परमात्मा तो नहीं है। It is because the soul certainly isn't equal to the supreme soul. ऐसे नहीं हर आत्मा परमात्मा का रूप धारण कर लेती है। Not every soul takes on the form of the supreme soul. आत्माएं सब अलग अलग पार्टधारी। All the souls are individual actors. उन आत्माओं के बीच में हीरो पार्टधारी एक वही है जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। Among them, only the one whom the supreme soul enters permanently is the hero actor. एक होता है टेम्पररी रूप से प्रवेशता। One is temporary entrance. Temporary rath. The temporary chariot. और एक होता है मुकर्रर। And the other is the permanent chariot. मुकर्रर रथ में बाप बाप के रूप में संसार में एक ही बार प्रत्यक्ष होता है। Through the permanent chariot, the father is revealed in the form of father in front of the world only once. इस
इसकी यादगार में एज इट्स यादगार बेसिक नॉलेज में भी संक्षेपण में बाप को बाप की प्रत्यक्षता वर्ष को घोषित किया गया। 1976 was declared as the year of the father's revelation in the basic knowledge too. वो सत्संग कोई विशेष आत्मा है जिनको प्राप्त होता है। There are some special souls who receive that satsang. संग में रहना और ऊंचे से ऊंचे संग में रहना ये मुश्किल बात है क्या? To take someone's company, to take the highest company, is it something difficult? मुश्किल कब है? When is it difficult? निराकार है तो मुश्किल है। If it is the incorporeal one, it is difficult. और उस सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को साकार में पहचान लिया, जान लिया, नजदीक पहुंच गए तो संग का रंग लेना कठिन नहीं हो सकता। And when you have recognized that point of light supreme soul in the corporeal form, when you came to know about him, when you reached near him, it can't be difficult to take the color of his company. ऊंचे से ऊंचा संग का रंग क्यों कहा गया? Why was it called the color of the highest of the high company? ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा ये कौन सी दुनिया की बात है? Being the highest and the lowest is about which world? साकार दुनिया की बात है। It is about the corporeal world. बिंदु बिंदु आत्माओं को ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा नहीं कहा जा सकता। The point souls can't be called the highest or the lowest. बिंदु आत्मे जब शरीर साकार में प्रत्यक्ष होती है अपने पार्ट के आधार पर। When the point souls are revealed in a physical body on the basis of their part, तब उनकी ऊंच और नीच की गिनती होती। It is then that they are colored as the highest or the lowest. तो ऊंचे से ऊंच में के संग में रहना ये मुश्किल बात नहीं है। So to take the company of the highest of the high isn't difficult. और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है। And just as the supreme soul is the highest of the high, similarly by being colored by his company, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे पवित्र महान आत्मे पूज्य आत्मे बन गए। You children too became the highest of the high, pure, great souls, the souls who are worship worthy. किस कारण बन गई? Why did you become that? क्या कारण बताया? What reason was mentioned? ऊंचे से ऊंचे पाठधारी के संग के रंग में रहने से आप अष्टदेव ऊंचे से ऊंचे बन गए। By being colored by the company of the highest of the high actor, you eight deities became the highest of the high. उनके संग में रहने का प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। बोला? There will be a corporeal form whose highest company you can take. It was said. आप बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते। You children can't live without the father. और बाप आप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। एंड द फादर कांट लिव विदाउट यू चिल्ड्रन। क्या मतलब हुआ? व्हाट डज इट मीन? जब तक साकार में आपको बाप का संग न मिले आपको चैन नहीं पड़ेगा। Until you receive the father's company in the corporeal form, you won't feel restful. और बाप को आपका साकार संग न मिले
एंड इफ द फादर डजंट रिसीव योर कॉर्पोरियल कंपनी तो बाप को भी चैन नहीं है, ही वोंट फील रेस्टफुल ईदर, बेचैनी अनुभव होती है, ही फील्स रेस्टलेस। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान आत्माए हो, यू आर सच हाइस्ट ऑफ द हाई प्योर एंड ग्रेट सोल्स। ये अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? यू लव द कलर ऑफ दिस इम्पेरिशेबल कंपनी डोंट यू? अविनाशी संग का रंग क्यों कहा? Why was it called the color of the imperishable company? ये संग सिर्फ संगम युग में लगता है या सदा काल लगता है? Do you receive his company only in the confluence age or do you receive it forever? अविनाशी कैसे हो गया? Student replies, How did it become imperishable then? संग सदा काल का इसलिए है कि जो अष्टदेव आत्माएं हैं वो आदि जन्म से लेकर के और अंतिम जन्म तक भी कुछ न कुछ है संग के रंग में रंगी हुई रहती है। There is his everlasting company because the souls of the eight deities stay colored by his company from the first birth and even till the last birth to some extent. दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के लंबे समय तक बाप से बिछुड़ती नहीं है। They don't convert to other religions and separate from the father for a long time. जन्म जन्म का साथ है। They keep his company for many births. कोई भी रूप में हो। It may be through any form. शूटिंग कहाँ होती है? Where does the shooting take place? संगम युग में शूटिंग होती है और बुद्धियोग से शूटिंग होती है। It takes place in the confluence age and it takes place through the connection of the intellect. और बुद्धियोग भी एकाग्र कब होता है? When does the connection of your intellect become focused? कोई चीज याद कब आती है? When do you remember something? आंखों से जिसे देखा जाता है। When you see something through your eyes, वो बुद्धि में याद आता है। You remember it through your intellect. स्नेह की दृष्टि से देखा जाता है तो ज्यादा याद आता है। If you see it lovingly, you remember it more. तो तुम ऊंचते ऊंचे आत्माओं ने ऊंचते ऊंचे पार्ट बजाए। So you, the highest of the high souls, have played the highest of the high part. माने ग्लानी करने का पार्ट नहीं बजाया है। It means you haven't played the part of defamation. जो ग्लानी करने वाले हैं, उनके लिए क्या गायन है? Those who defame him, what has been said for them? सतगुरु निंदक और नकारे। Those who defame the Sadguru won't find their destination in the end. सतगुरु तो साकार ही होता है। The Sadguru is definitely corporeal. अकाल मूर्त होता है। He is अकाल मूर्त। मूर्तवान होता है। He is the one who has a form, that is मूर्तवान। उस मूर्ति के साकार संग में रहने के कारण आपने ये रंग लगाया। Because of taking the corporeal company of that form, you have been colored. दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं। The people of the world put in so much of efforts. इस बात का। For what? परमात्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। Leave the supreme soul's company.
दे पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट्स जस्ट टू रिमेम्बर हिम. लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना और दिल से कहा मेरा बाबा. हाउएवर यू सोल्स केम टू नो द फादर एंड यू सेड विथ ऑल योर हार्ट माई बाबा. बिंदी रूप में नहीं जाना. यू डिडंट कम टू नो हिम इन द पॉइंट फॉर्म. मेरी बिंदी. एंड से माई पॉइंट. बिंदी रूप में पहचान का कोई मतलब ही नहीं. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग हिम इन द पॉइंट फॉर्म. सब आत्मा बिंदी बिंदी. ऑल द सोल्स आर पॉइंट्स. कौन सी मेरी बिंदी. विच इज माई पॉइंट. जब साकार शरीर में प्रवेश हो तब मेरा बाप. और बाप ने कहा मेरे बच्चे. और रंग लगे तो बाप ने कौन सा रंग लगाया. When he enters the corporeal body, it is then that you can say, my father. And the father said, my children, and you were colored. So with what color did the father color you? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया. He colored you with the gulal of knowledge, the color of virtues and powers. जिस रंग से आप तो देवता बन गए लेकिन अभी कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं. यू डिड बिकम डेटीज थ्रू देम बट नाउ इवन टिल द एंड ऑफ द आयरन एज योर प्योर पिक्चर्स आर वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटी सोल्स. ऐसे नहीं द्वापर के आज में ही पूजे जाते हैं. या द्वापर के मध्य और अंत तक पूजे जाते हैं. इट इज इन दैट दे आर वर्शिप्ड ओनली इन द बिगनिंग ऑफ द कॉपर एज और दे आर वर्शिप्ड ओनली टिल द मिडल और द एंड ऑफ द कॉपर एज. कब तक पूजे जाते हैं. अंटिल व्हेन आर दे वर्शिप्ड. कलयुग अंत तक आपके चित्र पूजे जाते हैं. दे आर वर्शिप्ड टिल द एंड ऑफ द आयरन एज. पवित्र आत्माएं तो बहुत बनती है. मेनी डू बिकम प्योर सोल्स. महान आत्माएं भी बहुत बनती है. धर्म आत्माएं भी बहुत बनती है. मेनी बिकम ग्रेट सोल्स एंड ऑल्सो रिलीजियस सोल्स. लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में जिनकी आत्मा भी पवित्र बनती है और आत्मा के साथ साथ शरीर भी पवित्र बनता है. कब. अगले जन्म में. नहीं इसी संगम युग में आपका शरीर भी पवित्र बनता है. शरीर रूपी नैया भी विषय वैतरणी नदी से पार जाती है. शरीर रूपी वस्त्र पवित्र बनता है और आत्मा भी पवित्र बनती है. बट योर प्यूरिटी इन द फॉर्म ऑफ डेटी सोल्स इज सच that your soul as well as your body become pure. When? In the following birth. No, in this very confluence age, your body also becomes pure. The boat-like body also goes across the river of the poison of vices. The cloth-like body as well as the soul become pure. उन धर्म आत्माओं की, महात्माओं की, धर्म पिताओं की आत्मा उस जन्म में पवित्र नहीं बनती. द सोल ऑफ दोस रिलीजियस सोल्स ग्रेट सोल्स रिलीजियस फादर्स डोंट बिकम प्योर इन दैट वेरी बर्थ. और शरीर भी पवित्र नहीं बनता. एंड देयर बॉडी डजंट बिकम प्योर ईदर. नीचे गिरते जाते हैं. दे कंटिन्यू टू डिग्रेड. और आप इसे एक जन्म में ही शरीर को भी पवित्र बना लेते हो कंचन काया बना लेते हो और आत्मा भी
पवित्र बन जाती। एंड इन दिस वन बर्थ इटसेल्फ यू मेक योर बॉडी प्योर, यू रेजुविनेट इट एंड योर सोल ऑल्सो बिकम्स प्योर। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी, ये कैसे बनी? यू हैव सच एलिवेटेड प्योरिटी, हाउ डिड यू अटेन इट? सिर्फ संग के रंग से बनी, प्यार पूर्वक जो संग किया उस संग के रंग से बनी। Just through the color of his company, you attained it through the company which you took lovingly. आप सभी फलक से कहते हो। All of you answer proudly. अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परमधाम में तो है ही, लेकिन आप क्या कहेंगे? If someone asks you children, where does the supreme soul reside? He definitely resides in the supreme abode. But what will you answer? अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? Now in the confluence age, where does he reside with you? कहाँ रहता है? Where does he reside? आप क्या कहेंगे? What will you answer? आप अर्थात आप अष्टदेव क्या जवाब देंगे? What will you, that is the eight deities, answer? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तक ही अच्छा लगता है। Now the supreme soul likes only the heart throne of we pure souls. हमारे दिल पर चढ़ा हुआ है, दिल पर विराजमान है। He has ascended our heart. He is seated in our heart. तो ऐसे हो है ना? It is true, isn't it? आपके दिल में बाप रहता है और आप बाप के दिल में रहती हो। The father resides in your heart and you reside in the father's heart. माने आप प्रैक्टिकल में बाप के दिल पर चढ़े हुए हो। It means you have ascended the father's heart in practice. आप भी बाप के प्रैक्टिकल में दिल पर चढ़े हुए हो और बाप भी प्रैक्टिकल में आपके दिल पर चढ़ा हुआ है। You have ascended the father's heart in practice and the father has also ascended your heart in practice. रहते हैं ना? हाथ उठाओ, जो रहते हैं वो हाथ उठाओ। You do reside in his heart. Raise your hand. Those who reside in his heart, raise your hand. Many must have raised their hand in the gathering at Mount Abu. फिर पूछा। It was asked again. दिल पर रहते हैं? Does he reside in your heart? अच्छा, बहुत अच्छा। Good, very good. पलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ भी अच्छा नहीं लगता। You answer proudly that the supreme soul doesn't like any other place than your heart. क्योंकि combined रहते हो ना? Because you stay combined, don't you? तो combined रहते हो? Do you stay combined? कई बच्चे combined कहते हुए भी सदा बाप की company का लाभ नहीं लेते हैं। Some children say that they stay combined. But they don't take the benefit of the father's company forever. Companion तो बना लिया है। You have made him your companion. पक्का है। That is sure. मेरा बाबा कहा तो companion तो बना लिया। You said my baba, so you have made him your companion. लेकिन हर समय company का अनुभव करना इस बात में अंतर पड़ जाता है।
बट देर इज अ डिफरेंस इन एक्सपीरियंसिंग हिज कंपनी एवरी मोमेंट। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबर वार फायदा उठाते हैं। बाप दादा सीज दैट यू टेक इट्स बेनिफिट नंबर वाइज। इसका कारण क्या होता है? वॉट इज इट्स रीजन? वो कारण भी आप अच्छी तरह से जानते हो। वेल ऑल ऑफ यू डू नो इट्स रीजन वेरी वेल। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद, पुराने संस्कार के रूप में रही हुई है। बाप दादा हैज टोल्ड यू अर्लियर टू, If there is still any of Ravan's old property in the form of old sanskars in your heart, तो रावण की चीज पराई चीज हो गई ना? Something that belongs to Ravan is not yours, is it? पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता। You should never keep something that belongs to someone else with you. पराई चीज को निकाल दिया जाता है। You should get rid of it. लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूढ़ियान में सुनते भी है कि बच्चे क्या कहते हैं। However, बाप दादा has seen and he also hears it in the spiritual chit chats as to what the children say. कहते हैं बाबा मैं क्या करूं? They say Baba, what can I do? मेरे संस्कार ही ऐसे। My संस्कार्स themselves are like that. तो क्या ये संस्कार आपके हैं? So are these संस्कार्स yours? जो कहते हो मेरे संस्कार? That you call it my संस्कार्स? ये कहना right है? Is it right to say? ये मेरे पुराने संस्कार हैं? These are my old संस्कार्स? ये मेरी nature है, right है? This is my nature, is it right? ये बात राइट है। इज इट राइट? जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ। दोज हू थिंक दैट इट इज राइट रेज योर हैंड। अभी तो कोई हाथ नहीं उठाता। नो वन रेजेज हिज हैंड नाउ। तो कहते क्यों? देन व्हाई डू यू से दैट? गलती से कह देते हो क्या? डू यू से दैट बाय मिस्टेक? जब मर्जी बा बन गए मजीबा माने? When you have become dead while being alive, what does to die while being alive mean? इस देह से मर गए, देह के संबंधियों से मर गए। It means you are dead from this body, the relatives of the body. देह के पदार्थों से अपने को मार दिया। You killed yourself from the things related to the body. कोई पदार्थ विशेष में कोई लगाव नहीं। यू डोंट हैव अटैचमेंट फॉर एनी थिंग इन पर्टिकुलर। कोई संबंधी अलौकिक या लौकिक में कोई लगाव नहीं। यू आरंट अटैच टू एनी रिलेटिव बीट लौकिक और अलौकिक। ऐसे मजीबा बन गए। देन यू हैव बिकम डेड वाइल बीइंग अलाइव इन दैट वे। तो बताओ आपका सरनेम क्या है? टेल मी व्हाट इज योर सरनेम? पुराने जन्म का सरनेम है बीके। द सरनेम ऑफ द पास्ट बर्थ इज बीके। क्या कहा? व्हाट वाज सेड? यार दादी के तर से अभी तो बाप दादा ने क्या बाकी बोला? बोला पुराने जन्म का सरनेम है बाप बीके का सरनेम है। What did अव्यक्त बाप दादा से थ्रू द बॉडी ऑफ दादी गुलजार? He asked, is it the surname of the past birth or of the BK life? आप क्या लिखते हो? What do you write?
बीके लिखते हो या फलाना फलाना? डू यू राइट बीके और सो एंड सो? इससे पिछली अभी कमाने में बोला बीके हो या पीके हो? इन द लास्ट अव्यक्त वाणी इट वॉज आस्ट आर यू बीके और पीके? बीके माना ब्रह्मा कुमार और पीके माना प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। बीके मीन्स ब्रह्मा कुमार एंड पीके मीन्स प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। तो देखो सो लुक जब मजीवा बन गए व्हेन यू हैव बिकम डेड व्हाइल बीइंग अलाइव तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? हाउ कैन दोस ओल्ड संस्कार बी योर्स? ये पुराने तो पुराने संस्कार है, पराए संस्कार भी मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। दीज ओल्ड संस्कार आर सर्टनली ओल्ड, दे बिलोंग टू समवन एल्स, दे आरंट योर्स आर दे? So on this holi, you will certainly burn something, won't you? होली लगाते भी है और रंग लगाते भी है, तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? People light a bonfire as well as apply colors. So what will all of you burn on this holi? जो कहते हो ये मेरे पुराने संस्कार हैं। What you call my old संस्कार्स? इन मेरे संस्कारों को माय संस्कार्स ये अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त कर दो। फिनिश दिस फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ द ब्राह्मण लाइफ। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। लाइफ इज ऑल्सो अ डिक्शनरी इजंट इट? तो अभी कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना ये स्वप्न में भी नहीं सोचना। सो नाउ नेवर थिंक इवन इन योर ड्रीम्स, लीव द क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग इट इन द थॉट्स। नेवर थिंक इवन इन योर ड्रीम्स दैट द ओल्ड संस्कार्स आर योर संस्कार्स। अब तो जो बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार। Now, whatever are the father's संस्कार्स are your संस्कार्स। जो बाप के संस्कार नहीं वह मेरे संस्कार नहीं। The संस्कार्स that aren't the father's aren't your संस्कार्स either। सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। All of you say, don't you? It is my aim to become equal to the father. तो बाप साकार में है। सो इज द फादर प्रेजेंट इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म या परमधाम में? और इज ही इन द सुप्रीम अबोर्ड? परमधाम में है या सूक्ष्म पतन में है? इज ही इन द सुप्रीम अबोर्ड और इन द सटल वर्ल्ड? सूक्ष्म पतनवासी ब्रह्मा में तो बाप आते ही नहीं। द फादर डेफिनेटली डजंट कम इन द सटल वर्ल्ड ड्वेलर ब्रह्मा। और परम धाम में तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक काम पूरा न हो जाए। इन एडिशन ही कांट गो बैक टू द सुप्रीम अबोर्ड अंटिल ही अकम्प्लिशेज हिज टास्क। तो आपका लक्ष्य है? सो योर एम इज? जो बाप निराकार साकार में आया हुआ है। द इनकॉर्पोरियल फादर हु हैज कम इन द कॉर्पोरियल वन। साकार में रहते भी निराकारी स्टेज वाला है। द वन हु हैज एन इनकॉर्पोरियल स्टेज डिस्पाइट बीइंग इन द कॉर्पोरियल वन। निराकारी निर्विकारी और निर्हंकारी है। द वन हु इज इनकॉर्पोरियल वॉइसलेस एंड ईगोलेस। ऐसे बाप समाना बनना आपका लक्ष्य है। इट इज योर एम टू बिकम इक्वल टू सच फादर। तो सभी ने अपने दिल में ये संकल्प दृढ़ किया है। सो हैव ऑल ऑफ यू मेड दिस थॉट डिटरमिंड इन योर हार्ट? दृढ़ प्रतिज्ञा की है। हैव यू टेकन अ फर्म वाउ? 3 मार्च 2007 की अभ्यर्थवाणी का दूसरा।
सेकेंड पेज ऑफ द अवेक्तवाणी डेटेड 3 मार्च 2007। गलती से भी मेरा नहीं कहना। नेवर से माय संस्कार्स इवन बाय मिस्टेक। मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार हैं वो फायदा उठाते। When you say my my, the old संस्कार्स take advantage of it। जब मेरा कहते हैं तो वो संस्कार बैठ जाते हैं, निकलते नहीं। When you say my संस्कार्स, they settle down, they don't go away। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते। In which form does बाप दादा wish to see all of you children? जानते हो? Do you know that? जानते भी हो और मानते भी हो। You know that and you also accept that। बाप दादा हर एक बच्चे को प्रकृति के तख्त नशीन स्वराज अधिकारी राजा बच्चा आधीन बच्चा के रूप में नहीं देखना चाहते। बाप दादा विशेष टू सी ईच चाइल्ड सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ द भ्रिकुटी द किंगली चाइल्ड हु इज एंटाइटल्ड टू सेल्फ सॉवरेंटी। He doesn't wish to see you as a dependent child। राजा आधीन होता है क्या? Is the king dependent on someone? कोई के आधीन होता है? Is he dependent on someone? महामंत्री के आधीन होता है, रानी के आधीन होता है। Is he dependent on the prime minister or the queen? कोई के आधीन? राजा नहीं होता। A king isn't dependent on anyone। तो आप स्वराज अधिकारी राजा बच्चे आधीन बच्चे नहीं राजा बच्चे। सो यू आर द किंगली चिल्ड्रन हु आर एंटाइटल्ड टू सेल्फ सॉवरेंटी नॉट द चिल्ड्रन हु आर डिपेंडेंट बट किंगली चिल्ड्रन। कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर मास्टर सर्वशक्तिमान इस स्वरूप में आपको देखना चाहते। He wishes to see you in the form of those who have controlling power, ruling power and master almighty. और देख रहे हैं। And he is seeing you. आप अपना कौन सा रूप देखते हो? In which form do you see yourself? यही रूप देखते हो ना? You see yourself in that very form, don't you? राज्य अधिकारी हो? आधीन नहीं हो। You are rulers, you aren't dependent। आधीन तो नहीं है ना? You aren't dependent, are you? आधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। All of you are those who make the souls who are dependent into rulers। कौन बना सकता है? Who can make them that? अधिकारी कौन बना सकता है? Who can make them rulers? जो स्वयं आधीन न हो। द वन हु हिमसेल्फ इज इन डिपेंडेंट ऑन एनी वन। जो स्वयं आधीन होता है वो दूसरों को अधिकारी नहीं बना सकता। द वन हु हिमसेल्फ इज डिपेंडेंट कांट मेक अदर्स इनटू अ रूलर। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन आधीन से उन्हों को अधिकारी बनाने वाले हो। You are those who become merciful towards the soul and make them rulers from being dependent। तो आप सभी भी होली मनाने आए हो ना? So, all of you have also come to celebrate होली, haven't you? बाप दादा को भी खुशी है। बाप दादा is also pleased। कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। That all of you have come here on the aeroplane of love। सभी के पास ये विमान है ना? All of you have this aeroplane, don't you? बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही गिफ्ट दी है मन के विमान की। As soon as each one of you Brahmin were born, बाप दादा gave you the gift of the aeroplane of the mind। तो मन का विमान है सभी के पास। सो डू ऑल ऑफ यू हैव द एरोप्लेन ऑफ द माइंड? अच्छा अच्छा हाथ उठाए रही है ठीक है। यू आर रेजिंग योर हैंड फाइन।
विमान में पेट्रोल ठीक है? इज देयर एडिक्वेट पेट्रोल इन द एरोप्लेन? ज्ञानियों के पंख ठीक है? आर द विंग्स ऑफ नॉलेज एंड योग इंटैक्ट? डिफेक्टेड पंख तो नहीं है? दे आर इन डिफेक्टेड, आर दे? और स्टार्ट करने का आधार ठीक है? एंड इज द की टू स्टार्ट इट वर्किंग? चेक करते हो? डू यू चेक देम? ऐसा विमान जो तीनों लोगों में सेकंड में जा सकता है? इट इज सच एन एरोप्लेन दैट इट कैन ट्रेवल द थ्री वर्ल्ड्स इन अ सेकंड। कौन सा विमान बताया? विच एरोप्लेन वॉज मेंशन्ड? विमान का नाम क्या बताया? वॉट वॉज मेंशन्ड एज द नेम ऑफ द एरोप्लेन? अरे अरे मन का विमान। इट इज द एरोप्लेन ऑफ द माइंड। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख यथार्थ है, इफ बोथ द किंग्स ऑफ करेज एंड जील एंड एंथुसियाज्म आर फाइन, तो एक सेकंड में स्टार्ट हो सकता है? इट कैन स्टार्ट इन अ सेकंड। विमान स्टार्ट करने की चाबी क्या है? वॉट इज द की टू स्टार्ट इट? चाबी है मेरा बाबा। द की इज माय बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता है। एज सून एज यू से माई बाबा योर माइंड कैन रीच वेर एवर इट वॉन्ट्स टू। दोनों पंख ठीक होना चाहिए। बोथ द विंग्स शुड बी इंटैक्ट। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। यू शुड नेवर लूज करेज। क्यों नहीं छोड़नी है? वाई? बाप दादा का वायदा है, वरदान है। इट इज बाप दादाज प्रॉमिस एंड ब्लेसिंग। एक कदम हिम्मत का आपका और हजार कदम मदद बाप की। इफ यू टेक वन स्टेप ऑफ करेज द फादर विल हेल्प विद 1000 स्टेप्स। चाहे कैसा भी का संस्कार हो, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग अ संस्कार इज, आप हिम्मत कभी नहीं हारो। यू शुड नेवर लूज करेज। कारण? वॉट इज द रीजन? कारण है कि सब शक्तिवान बाप आपका मददगार। द रीजन इज द ऑलमाइटी फादर इज योर हेल्पर। और वो बाप कंबाइंड है। एंड दैट फादर इज कंबाइंड। सदा हाजिर है। ही इज ऑलवेज प्रेजेंट दैट इज हाजिर। हाजिर और नाजिर किसे कहा जाता है? वॉट इज कॉल्ड हाजिर एंड नाजिर? तुम साकार में हो, नजरों के सामने हो। द वन हु इज इन द कॉर्पोरियल फॉर्म एंड इन फ्रंट ऑफ द आईज। आप हिम्मत से सर्वशक्तिमान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। जस्ट क्लेम योर राइट ओवर द ऑलमाइटी कंबाइंड फादर विद करेज एंड स्टे फर्म। दृढ़ होना ही है। यू हैव टू बिकम फर्म। बाप मेरा और मैं बाप की हूँ। द फादर इज माइन एंड आई बिलोंग टू द फादर। ये हिम्मत नहीं भूलो। नेवर लूज दिस करेज। तो क्या होगा? देन वॉट विल हैपन? जो कैसे करूं ये संकल्प उठता है, वो कैसे शब्द बदल करके ऐसे हो जाएगा? When you have the thought, how shall I do this? How means कैसे? It will change and become in this way, that is ऐसे। कैसे करूं, क्या करूं? ये शब्द नहीं। You shouldn't use the words, how should I do this? What should I do? ऐसे हुआ ही पड़ा है। Think it is already done. सोचते हो ना, करते तो है, हो जाएगा, होना तो चाहिए।
यू थिंक आई एम डूइंग दिस, इट विल हैपन, इट शुड हैपन। बाप मदद तो देगा। द फादर विल डेफिनेटली हेल्प मी। हुआ ही पड़ा है। इट इज ऑलरेडी डन। बाप बांधा हुआ है। द फादर इज बाउंड। दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले की मदद देने के लिए बांधा हुआ है। He is bound to help those who have firm faith in the intellect. सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो। You just change the form a bit. हक रखते हो बाप के ऊपर, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। You claim your right over the father, but you change its form. सोचते हो बाबा आप तो मदद करेंगे ना? You say, Baba, you will help me, won't you? इसे सोचने में क्या बात समाई हुई? What is wrong in this thought? आप तो मदद करेंगे ना? इस सोचने में क्या बात समाई हुई? What is wrong in the thought? You will help me, won't you? सच है। संशय है। यू हैव अ डाउट। पूछते हो आप तो मदद करने के लिए बंधे हुए हो ना? यू आस्क, यू आर सर्टेनली बाउंड टू हेल्प मी, aren't यू? तो ना लगाए देते हो। यू एड अ क्वेश्चन टैग। निश्चय बुद्धि निश्चित विजय हुई पड़ी है। विक्ट्री इज डेफिनेट फॉर दोज विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट। क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में दे दिए। इट इज बिकॉज बाप दादा हैज गिवन एवरी चाइल्ड द तिलक ऑफ विक्ट्री ऑन देयर फोरहेड एज सून एज दे वर बोर्न। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। मेक डिटर्मिनेशन द की टू योर इंटेंस पुरुषार्थ। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो। You make very good plans. बाप दादा जब रूप यहां सुनते हैं। When बाप दादा hears your spiritual chit chat, देखते हैं कि रूप यहां बहुत हिम्मत की करते हो। He sees that you have a lot of courage in it. Planning भी बड़े powerful बनाते हो। And you also make very powerful plans. लेकिन प्लानिंग को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लान बुद्धि होकर के नहीं करते हो। बट वेन यू पुट दोज प्लान्स इन प्रैक्टिस यू डोंट डू दैट विद अ प्लेन इंटेलेक्ट। उसमें थोड़ा सा करते तो है, होना तो चाहिए। ये स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं है, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो। In that, you have some thoughts like, I definitely do it, it should happen. These aren't the thoughts of faith in the self. Rather, you mix waste thoughts in them. अभी समय के प्रमाण, प्लान बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। Now, according to the time, become those with a plain intellect and bring them in practice. जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। डोंट लेट वीक थॉट्स इमर्ज इवन टू अ स्लाइट एक्सटेंट। स्मृति रखो। हैव द अवेयरनेस। ये अभी एक बार नहीं कर रहे। वी आरंट डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। अनेक बार किया हुआ है। वी हैव डन इट मेनी टाइम्स। उसे हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। We are simply repeating it. याद करो कितनी बार कल्प कल्प में विजयी बने हो। Just remember how many times you have become victorious in every cycle. अनेक बार की विजयी। You became victorious many times. विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। Victory is your birthright of many cycles. इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। बिकम दोज विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट थ्रू दिस राइट एंड यूज द की ऑफ डिटर्मिनेशन।
विजय ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी? वॉट इज विक्ट्री विदाउट यू ब्राह्मण सोल्स? आप ब्राह्मणों का विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। विक्ट्री इज द बर्थ राइट ऑफ यू ब्राह्मण सोल्स। आपके गले की माला है। इट इज अ गार्लैंड अराउंड योर नेक। माला है ना? इट इज अ गार्लैंड अराउंड योर नेक, इजंट इट? ये नशा है ना? यू डू हैव दिस इलेशन, डोंट यू? होगा नहीं होगा? नहीं। डोंट थिंक, विल इट हैपन और नॉट? नो। ये नशा हुआ ही पड़ा। थिंक, इट इज ऑलरेडी डन। इतने निश्चय बुद्धि पर हर कार्य को करो। परफॉर्म एवरी टास्क विद सच अ फेथफुल इंटेलेक्ट। कि विजय हमारी निश्चित है ही। थिंकिंग दैट योर विक्ट्री इज सर्टेन। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं है। यू आर द सोल्स हु हैव सच अ फेथफुल इंटेलेक्ट। ये बाप दादा कहते हैं या नहीं? नहीं शब्द नहीं लगाओ। डोंट थिंक इज बाप दादा सेइंग दिस और नॉट? डोंट यूज द वर्ड नॉट। है ही निश्चय बुद्धि। यू आर डेफिनेटली दोज विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट। यही निशा रखो। जस्ट हैव दिस इलेशन। निश्चय बुद्धि थे और होंगे। यू वर दोज विद अ फेथफुल इंटेलेक्ट एंड यू विल बी दैट। विजयी थे और विजयी बनेंगे। यू वर विक्टोरियस एंड यू विल बिकम दैट। तो ऐसे होली हो ना? सो यू आर सच होली वंस, aren't यू? होलीएस्ट तो हो। यू आर डेफिनेटली द होलीएस्ट। तो बाप दादा के ज्ञान के गुलाल की होली तो खेल ली। सो यू हैव प्लेड द होली विद द गुलाल ऑफ बाप दादाज नॉलेज। अभी और क्या खेलेंगे? वॉट एल्स विल यू प्ले नाउ? बाप दादा ने देखा कि सभी को मैं जाती हूँ, मैं उत्साह बहुत अच्छा आता है। बाप दादा हैज सीन दैट अ मेजोरिटी ऑफ ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी गुड जील एंड एंथुसियाज्म। यह कर लेंगे, यह कर लेंगे, यह हो जाएगा। थिंकिंग वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, इट विल हैपन। बाप दादा भी बड़े खुश होते। बाप दादा ऑल्सो बिकम्स वेरी प्लीज। लेकिन ये उमंग उत्साह सदा ही बढ़ते रहे। बट दिस जील एंड एंथुसियाज्म शुड ऑलवेज स्टे इमर्ज्ड। कभी कभी ये मर्ज हो जाता है। हाउएवर इट मर्जेस समटाइम्स। अभी इमर्ज हो जाता है। एंड इट इमर्जेस समटाइम्स। तो कभी भी मर्ज न होने पाए। यू शुड नेवर लेट इट मर्ज। उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे। इट शुड ऑलवेज बी इमर्ज्ड। क्योंकि आपका उत्सव पूरा संगम युग उत्सव है। इट इज बिकॉज द होल कॉन्फ्लुएंस एज इज अ फेस्टिवल फॉर यू। ये दुनिया वाले तो कभी कभी उत्सव मनाते हैं। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स ओकेशनली। क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं तो समझते हैं उत्साह में नाचे गाए खाए चेंज हो जाए। Because they are in tension for a lot of time. So they think that they should dance, sing and eat out in the festival so that it will be a change for them. लेकिन आप लोगों के पास तो नाचना और गाना ही है और हर सेकेंड का है। However, dance and sing is all you do that every second. आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना? You always keep dancing in your mind out of joy, don't you? नाचते रहते हो कि नहीं? Do you or not? नाचते नाचना आता है खुशी। You do dance and you know how to dance in joy. नाचना आता है? Do you know how to dance? जिसको नाचना आता है खुशी में वो हाथ उठाओ। Those who know how to dance in joy, raise your hand. अच्छा, मुबारक।
अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आता तो है। यू डू नो दैट। तो सदा नाचते रहते हो या कभी कभी खुशी में नाचते हो? सो डू यू ऑलवेज कीप डांसिंग और डू यू डांस इन जॉय समटाइम्स? बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था। बाप दादा गेव होमवर्क फॉर दिस ईयर। दो शब्द कभी नहीं सोचना। समटाइम समथिंग। नेवर थिंक दिस टू वर्ड्स, दैट इज समटाइम समथिंग। वो होमवर्क किया है? हैव यू डन दैट होमवर्क? क्या अभी भी समटाइम है? और इज समटाइम स्टिल इन यूज? ये समटाइम और समथिंग खत्म। समटाइम समथिंग शुड फिनिश नाउ। इस नाचने में थकने की तो कोई बात नहीं है। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग टायर्ड इन दिस डांस। चाहे लेटे रहे, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे उठो बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो। नो मैटर वेदर यू लाई डाउन, डू योर वर्क, वॉक, स्टैंड और सिट, यू कैन परफॉर्म द डांस ऑफ हैप्पीनेस। और बाप के प्राप्तियों के गीत भी गा सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो सिंग द सॉन्ग्स ऑफ द अटेनमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द फादर। गीत भी आता है ना? यू डू नो द सॉन्ग, डोंट यू? ये गीत तो सभी को आता है। एवरीवन नोज दिस सॉन्ग। वो पता गीत तो किसको आता है, किसको नहीं आता है? सम मे नो द सॉन्ग संग थ्रू द माउथ एंड सम अदर्स मे नॉट नो देम। लेकिन बाप की प्राप्तियों का, बाप के गुणों का, बाप की द्वारा दी हुई शक्तियों का गीत, वो तो सबको आता है ना? But everyone knows the song of the attainments, the virtues and the powers given by the father, don't you? So bas, aapka har din utsav hai. So that's it. Every day is a festival for you. Har ghadi utsav hai. Every moment is a festival. So sada nacho, gao. Always dance and sing. Aur koi kaam to diya nahi hai. बाप दादा hasn't given you any other work. यही दो काम है। You just have these two works. नाचो और गाओ। To dance and sing. Enjoy करो। Enjoy yourself. मन में बोझ क्यों उठाते हो? Why do you carry a burden in your mind? Enjoy करो। Enjoy yourself. नाचो गाओ बस। Dance, sing, that's all. अच्छा अच्छा, होली तो मना ली ना? You have celebrated Holi, haven't you? अभी रंग की होली भी मनाएंगे। Now, will you also play the Holi of colors? अच्छा अच्छा, आप कोई तो भक्त कॉपी करेंगे ना? It is you who the devotees will copy, isn't it? आप भगवान के साथ होली खेलते हो तो भक्त भी होली, कोई न कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते। You play होली with God, so the devotees also play होली with some or the other deity among you. अच्छा अच्छा, तो आज कई बच्चों के ईमेल भी आए हैं, पत्र भी आए हैं, फोन भी आए हैं। So today, many children have sent emails, letters and they have phoned. जो भी साधन है, उससे होली की मुबारक भेजी। With whatever facility they have sent greetings for Holi through them. बाप दादा के पास तो जब संकल्प करते हैं, तभी पहुंच जाता है। The moment you have the thought of sending it, it reaches बाप दादा। लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और किया है। However, all the children everywhere specially remember him. They have remembered him as well. बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम दुआएं और पदम गुना दिल की याद प्यार रिटर्न में हर एक बच्चे को नाम सहित विशेषता सहित दे रहे।
बाप दादा इज ऑल्सो गिविंग एवरी चाइल्ड मल्टी मिलियन फोल्ड ब्लेसिंग्स एंड मल्टी मिलियन फोल्ड रिमेम्बरेंस एंड लव फ्रॉम हिज हार्ट इन रिटर्न. ही इज गिविंग इट टू ईच एंड एवरी चाइल्ड बाई देयर नेम एंड स्पेशलिटी. जब संदेश जाती है ना तो हर एक अपने अपने तरफ की याद देती. When a trans messenger goes in trance, each one gives their remembrance to Bab Dada individually. And even the greetings of those who haven't sent it has reached him. This is the very speciality of the Supreme Soul's love. Each and every one of these days is so lovely. चाहे कोई गांव में है, चाहे बहुत बड़े शहरों में है, गांव वालों की भी याद साधन न होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती. It doesn't matter if someone is in a village or a big city. The remembrance of even those who are in the villages reaches the father though they haven't facilities. तो बाप के पास स्पिरिचुअल साधन बहुत है. It is because the father has many spiritual facilities. Achha. Achha. Sabhi ne dadi ki yaad bhi bahut bahut di hai. Everyone has given lots of remembrance for dadi as well. Sabhi ka ek hi sankalp hai ki dadi jaldi se jaldi apne madhuban mein pahunch jaye. Everyone has just one thought. That dadi should come back to her Madhuban quickly. Bap dada bhi yehi chahte. Bap dada also wants the same. Dadi bolti nahi hai, lekin dil mein sankalp dwara Madhuban ki yaad, Brahmanon ki yaad, apni behad seva ki zimmewari ki yaad rehti. Dadi doesn't say anything, but she always remembers the Madhuban. The Brahmins and the responsibility of her unlimited service in the form of thoughts in her heart. अभी प्यार से याद तो आप सभी बहुत करते हो. Now all of you remember her with a lot of love. बाप दादा देखते हैं कि बाप दादा से तो सभी का प्यार है. बाप दादा sees that everyone definitely loves बाप दादा. लेकिन दादी से भी कम नहीं है. But your love for Dadi is no less either. क्या बात हुई? What was that? बाप दादा से प्यार और दादी से भी प्यार कम नहीं है? You love बाप दादा and your love for Dadi is no less either. क्यों? Why? बाप दादा भी सर्वशक्तिमान और दादी भी सर्वशक्तिमान है. बाप दादा एज वेल एज दादी आर ऑल माइटी. तो जो शक्तिशाली होता है उससे सबका प्यार जाता है. एवरी मैन लव्स द वन हु इज ऑल माइटी. तो बोला बाप दादा से तो सभी का प्यार है लेकिन दादी से भी कम नहीं है. It was said, everyone does love बाप दादा, but your love for दादी is no less either. 63 जन्म परमात्मा से भी प्यार रहता है भक्तों का. Devotees love the supreme soul for 63 births. और साथ साथ में इससे प्यार रहता है. Along with it, whom do they love? परमात्मा से जितना प्यार रहता है उतना ही प्यार किससे रहता है? The extent to which they love the supreme soul, whom do they love to the same extent? माया से भी उतना प्यार रहता है. They also love Maya to the same extent. इसलिए बोला. This is why it was said. कि बाप दादा से तो सभी का प्यार है ही लेकिन दादी से भी कम नहीं है. Everyone does love बाप दादा, but your love for दादी is no less either.
प्यार की याद तो दादी तक पहुंचती है। द रिमेम्बरेंस ऑफ योर लव रीचेस दादी। अभी ऐसे शक्तिशाली, नाउ सच पावरफुल, जैसे पावरफुल दवाई देते हैं ना। जस्ट एज यू गिव पावरफुल मेडिसिन, डोंट यू? दवाई में भी पावर का फर्क होता है। देर आर मेडिसिन ऑफ डिफरेंट पोटेंसी। तो आप सबने इसने की दवाई तो भेजी है। सो ऑल ऑफ यू हैव सेंट द मेडिसिन ऑफ लव। लेकिन अभी सब मिलकर के शक्तिशाली तंदुरुस्त भव के दृढ़ संकल्प की किरणें ऐसी भेजो जो वह किरणें अपना काम शुरू कर दे। बट नाउ ऑल ऑफ यू टूगेदर शुड सेंड सच पावरफुल रेज ऑफ डिटर्मिंड थॉट्स ऑफ मे यू बी हेल्दी दैट दोज रेज स्टार्ट डूइंग देयर वर्क। विच रेज? दृढ़ संकल्प की किरणें भेजो। सेंड द रेज ऑफ डिटर्मिंड थॉट्स। जो वह किरणें अपने अपना काम शुरू कर दें। So that they start doing their work. माने अभी तक किरणों ने अपना काम शुरू किया नहीं है। It means the rays haven't started doing their work yet. Time तो थोड़ा लगेगा। It will take some time. लेकिन ये आप सब ब्राह्मणों के दिल के सहयोग की किरणें अपना काम दिखा देंगी। But the rays of cooperation from the hearts of all of you Brahmins will show its effect. वहाँ कमरे का वायुमंडल भी दिल के शक्तिशाली वाइब्रेशन का क्या हुआ? क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है? होना ही है। Don't think what is happening, it isn't happening. Think it has to happen. ये उमंग उत्साह का सब ब्राह्मण चाहे कोई भी सेवादारी का वायुमंडल हो लेकिन ऐसा शक्तिशाली हो आप सबके दिल का प्यार का वाइब्रेशन बाप दादा के पास भी पहुंचता है। All the Brahmins should have this zeal and enthusiasm. Beat the atmosphere around any serviceable one, it should be very powerful. The vibrations of love in the heart of all of you also reach Bab Dada. जो भी सेवादारी सेवा के निमित्त बनते हैं, उनों का सदा यही वाइब्रेशन हो। All the serviceable ones who become the instrument to do service, they should always have these vibrations. निश्चय बुद्धिमान शक्तिशाली किरणों की स्पिरिचुअल शक्ति सदा देती रहो। Become the one with a faithful intellect. And continue to give the spiritual power of powerful rays. Seva dil se kar rahe hain. Bhavana bahut achhi hai. You are doing service with all your heart. Your feelings are very good. Abhi shaktishali sankalp ki dua do. Now give the blessings of powerful thoughts. Koi bhi vyakt sankalp dil mein lana nahi. Kya hoga? Nahi. Don't bring any wish thought in your heart. Don't think what will happen. No. Achha hi hona. Think only something good has to happen. Achha. Achha. Seva ka turn Gujarat ka hai. It is the turn of Gujarat to do the service. Gujarat ke 6500 aaye. 6500 people have come from Gujarat. गुजरात दर पर है ना? गुजरात इज एट द डोर स्टेप दैट इज दर इजंट इट? दर माना? व्हाट डज दर मीन? दरवाजे पर, एट द डोर। गुजरात के 6500 आ गए। 6500 पीपल हैव कम फ्रॉम गुजरात। अच्छा है। इट इज गुड। भले आए। वेलकम। गुजरात में बाप दादा ने देखा है कि मैं जानती एक तो गीता पाठशालाएं बहुत। बाप दादा है सीन इन गुजरात देर आर गीता पाठशालास इन अ मेजोरिटी।
और गीता पाठशालाएं चलाने वाले हैंड्स भी बहुत हैं। एंड देर आर ऑल्सो मेनी हैंड्स हु रन द गीता पाठशाला। साथ में सेवा भी बहुत है। In fact, there is a lot of service as well. सेवादारी हैंड्स भी बहुत है। There are many serviceable hands too. अभी गुजरात क्या करेगा? What will Gujarat do now? सेवादारी भी बहुत है, सेवा भी बहुत है, अभी नई सेवा क्या करेंगे? There are many serviceable ones and there is a lot of service as well. So what new service will you do now? ऐसी सेवा जो किसी ने भी न की हो, ऐसा कोई प्लान बनाया है? Have you made a plan of such service that no one else has done till now? जो किसी ने नहीं की हो वो गुजरात करके दिखा दे। गुजरात, do something that no one else has done and set an example. गुजरात को वेद में क्या बोला है? जिसके अज्ञान की रात गुजर गई, वो है गुजरात। What has Gujarat been called in the Unlimited? Those whose night, that is Rath of Ignorance passed, that is Guzar, is Gujarat. तो गुजरात ने प्लान बनाया है? Has Gujarat made some plan? थोड़ा सोचा है, मुझे कहा आपस में मिलकर के करेंगे। Someone said, we have thought about it a little and we will get together and do it. वैसे बाप दादा सभी जो उनको कहते हैं, कैसा कोई स्पीकर तैयार करो। As such, बाप दादा says to all the zones, prepare such a speaker. आप स्पीच करो, वो है नहीं। It shouldn't be that you give speeches. लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसा स्पीकर तैयार हो जिसका आवाज बड़ा हो, बुलंद हो, जिसको देख करके अनेकों का कल्याण हो जाए। But a speaker whose voice is loud should get ready on behalf of you so that many are benefited by seeing him. ऐसे हैं? There are such ones. हर एक जोन में ऐसे हैं, लेकिन स्टेज पर नहीं आए। There are such ones in every zone, but they haven't come on the stage. बाप दादा अभी यही चाहते हैं। Now this is what बाप दादा wants. कि ब्राह्मण बैकबोन हो और सामने ऐसी आत्मा निमित्त हो जिनका सुन करके अनेकों के दिल में ये आवाज लग जाए। Brahmin should be the backbone and such soul should become the instrument in the front, listening to whom many should be touched by their voice. क्योंकि समय के अनुसार हर जोन ने जिस भी विधि से सेवा की है वो अच्छी सेवा की। It is because according to the time, whatever service each zone has done with whatever method, they have done it well. बाप दादा सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों का उमंग उत्साह देख करके बहुत खुश होते। बाप दादा बिकम्स वेरी प्लीज्ड ऑन सीइंग द जील एंड एंथुजियाज्म ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव बिकम द इंस्ट्रूमेंट्स टू डू द सर्विस। लेकिन सेवा में अभी कोई नवीनता हो। हाउएवर, देयर शुड बी सम न्यूनेस इन इट नाउ। कोई स्वयं ही निमित्त बने और प्लान देवे कि ये कर सकते। Someone should become an instrument voluntarily and offer a plan, saying, this and that can be done. Om Shanti. Om Shanti.